करनाल SEO 8 आसाराम मार्केट मॉडल टाउन करनाल में यूनिवर्सल वीजा ऑफ आईलेट PTE सेंटर का शुभारंभ हो गया है। ये जानकारी यूनिवर्सल वीजा के फाउंडर आसीन सैनी ने समाचार एक्सप्रेस को दी। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में वीजा के अलावा आईलेट और PTE का कोर्स भी करवाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमोज कुमार और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस से लाइव तस्वीरें। इस समय हम मौजूद हैं यूनिवर्सल वीज़ा के मॉडल वाले ऑफिस के अंदर, जहां पर 12 साल से जो यूनिवर्सल वीज़ा का जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद इन्होंने आईएलएस और PTE की कोचिंग सेंटर खोला है जो यूनिवर्सल वीज़ा की बिल्कुल सैनी कॉलोनी के अंदर। आप एंट्री करते हैं, जैसे ही एंट्री करते ही पहला ही आपको यूनिवर्सल वीज़ा का PTE आईएलएस का कोचिंग सेंटर जो नया शुभारम्भ किया गया है। आज यूनिवर्सल वीज़ा के जो फाउंडर हैं मिस्टर असीम सैनी, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। असीम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार सबको, थैंक यू आपने मुझे मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल वीज़ा तो एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ इंडिया में भी लोकेटेड है। हमारी कई ब्रांचेस थी, पर कोविड के दौरान थोड़ा सा अफेक्ट रहा बिजनेस, तो मैंने अब मेनली मैं यहीं प्रेजेंट हूँ एज ए लाइसेंस्ड मारा एजेंट भी हूँ और एक्टिवली करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेनली यहीं फोकस किया जाए। मुझे काफ़ी क्लाइंट्स की नीड्स की पता चला, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई, कई लोगों ने मुझे बताया कि हमें आईलेट्स PTE भी चाहिए, सर आपकी भी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छे ट्रेनर्स भी रखते हैं, तो हमें मैं उन्हीं चीज़ों को मैंने आइडेंटिफाई करते हुए मार्केट सेगमेंट्स को परखा। मैंने आईलेट्स और PTE का 200 गज में यहाँ बहुत अच्छा एक हॉल जैसे एक रियलिस्टिक बेस्ड मैंने आईलेट्स और PTE सेंटर स्टार्ट किया है। अब इस आईलेट्स और PTE सेंटर में क्या है कि एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी क्लोज टू एंड वेरी नियर बाय मॉडल टाउन के अंदर, जैसे लैंडमार्क है होटल किंग क्लासिक, उसके साथ ही हमारा यूनिवर्सल वीज़ा का ऑफिस है जिसकी रीओपनिंग कल हो रही है। आज हमारे आईलेट्स PTE सेंटर की ओपनिंग है जो बिल्कुल एडजेसेंट है इसी ऑफिस के साथ। तो जैसे ही आप सैनी कॉलोनी में एंटर करते हैं तो सेकेंड हाउस के नाम से मशहूर है और आपको देख सकते हैं मेन गेट है वहाँ। तो अब इसके अंदर क्या है कि आपने जैसे हमने आईलेट्स और PTE को ही क्यों फोकस किया, क्योंकि जो सारी टारगेट मार्केट सेगमेंट है सबने इंग्लिश कंट्रीज में जाना है, सबने अदर देन इंग्लिश कंट्रीज में जाना है, तो आईलेट्स और PTE के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और एबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैंने इन दोनों को ही फोकस किया है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जैसे आईलेट्स के अंदर मेनली क्या होता है कि आपका पेपर पेन पेपर बेस्ड है, मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि उससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, दोबारा उसको जल्दी से लिख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं होती। सेकंड बात क्या होती है कि आप PTE क्या होता है कि कंपैरिजन में कि PTE सिर्फ टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, जिनको लगता है वो PCs में उनके हाथ अच्छे, आजकल बस ही मॉडर्नाइज दुनिया है, आप मोबाइल में भी PC ही कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो गो फॉर PTE, क्योंकि PTE का आप टेस्ट जल्दी ले सकते हो, PTE का रिजल्ट जल्दी आता है, जहाँ एक महीना लग जाता है आईलेट्स में, वहाँ एक महीने में 3 बार तो PTE हो जाता है। और PTE मुझे मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मेरे ट्रेनर्स ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, अदर देन दैट जो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो हमें जो अपने फीडबैक्स दिए हैं उससे पता चला कि PTE का उनकी एबिलिटी के हिसाब से स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो मैं थोड़ा सा PTE को के झुकाव में हूँ, पर मैं आईलेट्स भी करवा रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, तीन ट्रेनर्स अपॉइंट किए और दे आर वेरी वेल वर्स, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऑपरेट कर रहे थे, अब मेरे साथ वो मिलके वो ये काम कर रहे हैं। तो आप हम चाहते हैं कि आप विजिट करें हमारे ऑफिस, इट्स ए फ्री कंसल्टेशन बेस्ड पाथवे भी मैं डेवलप करूँगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, 1 नहीं 3 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, रियलिस्टिक आपकी क्लासेस चलाएंगे हम यहाँ आईलेट्स और PTE की, आपको अपना लेवल का पता चलेगा, उस लेवल से हम डीम करते हैं कि वेदर यू आर हेयर फॉर 1 मंथ और 15 डेज और कुड टेक अप टू 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, दैट इज़ एंटायरली अप टू योर एबिलिटी। बाकी आज का जो दिन है वो ये है कि आज हमने एक्सप्लिसिटली समाचार न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना है, अपने टारगेट मार्केट सेगमेंट्स में पहुंचना है, हमें बताना है कि आईलेट्स और PTE की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर कोविड में बॉर्डर नहीं भी खुलते, कहीं जगह खुले भी हुए हैं, तो आपके लिए 2 साल की वैलिडिटी है, आपका पास ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी कॉलेज और स्कूलों में भी आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए, ना टाइम ना जाना है, तो वो टाइम आप यहाँ बचाएं और ये बेस्ट टाइम है कि आप आईलेट्स और PTE को फोकस करें। लेट्स वेलकम यू टू यूनिवर्सल वीज़ा आईलेट्स एंड PTE ट्रेनिंग सेंटर, आई शो यू द रेस्ट। जैसा कि सर ने बताया, इस समय इन्होंने रीओपनिंग जो है की है और पहले ही जो सेंटर चला रहे थे यूनिवर्सल वीज़ा के नाम से, जो पहले भी काफ़ी समय से चलता आ रहा है, लंबे समय से चलता आ रहा है, 12 सालों से इनका जो अनुभव है, और उसके बाद अब इन्होंने PTE IELTS की कोचिंग सेंटर जो इन्होंने रीओपन किया है, तो हम आपको कुछ हमारे करनाल के जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाहेंगे इनका सेंटर। प्लीज़ वेलकम। ये
ये देखिए सर, इन्होंने स्टार्ट किया है जो आईएस और पीटी सेंटर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, कनाल के दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं हम। ये हमारा पीटी सेंटर है और ये सभी कंप्यूटर जो इस समय लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो आइल्स की जो इस समय क्लासेस जो ली जा रही हैं, हम आइल्स के जो मेन ट्रेनर हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। कुछ सर एक पर बताएंगे सर। हाँ जी सर, हमारा आइल्स और पीटी इंस्टीट्यूट रन हो रहा है अभी, और इसमें हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग तरीके से लेसन करवाए जाते हैं। कॉलेज और स्कूल की तरह ऐसे नहीं होता कि हर किसी को सेम तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो हर बच्चे को अलग तरीके से लेसन को इम्प्रोवाइज़ किया है हमने, और लेसन को आगे हम करवा रहे हैं। और बच्चे को देखते हैं हम पहले उसका टेस्ट लेके कि ग्रामर उनकी कैसी है, क्योंकि ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश का। आपको कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते आइल्स और पीटी बिना ग्रामर अच्छी होने के। तो हमारा 40 डेज़ का ग्रामर का भी कोर्स है, और उस कोर्स को हम कंटिन्यूसली करवाते रहते हैं। साल में वो 7-8 बार कंप्लीट हो जाता है, बच्चे जितनी मर्जी बार चाहें उसे ले सकते हैं कोर्स को, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, हम साथ में ही करवाते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया सर। जी सर, मेरा नाम हरजीत सिंह है। हाँ जी, जैसे सर हरजीत सिंह जी ने बताया जो आइल्स और पीटी के ट्रेनर हैं, और कुछ बच्चे इस समय जो आइल्स की कोचिंग लेने आए हुए हैं, कुछ उनसे भी हम पूछते हैं आपको कैसा लगा यहाँ सर। माय नेम इज चिराग सर, मेरा आज फर्स्ट डे है, तो सर मैं आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब जो हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता वो भी सीखने को हमारे को सिखाया जाता है। स्पीकिंग के लिए भी बताया जाता है, लिसनिंग के लिए, तो और सर हमें ऐसे भी करवाया सर ने हमारे को। आप कहाँ जाना चाहते हैं सर? क्या अच्छा लेकर आप आईएस की कोचिंग ले रहे हैं सर? सर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। ओके, तो आप समय प्लस टू कर चुके हैं? नहीं सर, प्लस टू कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? आप कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी मैं करेंटली प्लस टू कर रही हूँ, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, वो हमारी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं कि हम प्लस टू के साथ साथ आइल्स को अपना अच्छे से टाइम दे सके। बिल्कुल हमारे वीकर पॉइंट्स पे काम करते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अगर ऐसा रहा तो हम अच्छे बैंड्स दे सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सर? यस, माई नेम इज़ मोहित कुमार एंड मैं बी ए सेकेंड ईयर में हूँ, और मेरा फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था यहाँ पे भी, यहाँ पे आइल्स करो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर्स रहा है, और जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो हमें सभी जो चीज़ें मिल रही हैं लाइक अच्छी स्टडी और मटेरियल अच्छा मिल रहा है, आइडियाज़ अच्छे मिल रहे हैं, और कुछ ट्रिक्स हैं हमारे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ हैं। माय नेम इज़ हरजीत सिंह एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग आइल्स एंड पीटी स्टूडेंट फॉर पास्ट 3 ईयर्स, एंड माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्रॉपर कोचिंग एंड मेक देयर आइल्स जर्नी ईजी। So first of all, we judge our students' weaknesses. We look for their weak points and we turn them into their strengths. Okay, we analyze student how good he is at grammar, how good he is at analyzing things, because reading and listening takes a lot of analysis process as well. So all we do is we work on their weaknesses. We improvise our lessons according to their needs and according to their requirement. And one thing more, that learning tricks and achieving minimum eligibility criteria defeats the whole purpose of learning English, because after all we have to study in a foreign country in an English speaking environment, and we have to work also in an English speaking environment. So here at Universal Visa we take things lightly, one thing at a time, and we work on it and improve it one by one, and we improvise our lessons according to our students' need. And so this is all I wanted to say, and please visit us, our address is been flashed down here. Thank you. जैसा कि अभी सर ने बताया कि अगर आप आइल्स की और पीटी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो एक बार यूनिवर्सल वीज़ा पर विजिट जरूर करें। देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस से लाइव तस्वीरें। धन्यवाद।